नमस्कार दोस्तों, आज चलेंगे सदर बाज़ार। और सदर बाज़ार में देखेंगे कोरोना के टाइम में क्या हाल है। कुछ चीज़ें महंगी हुई हैं, कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं, लेकिन मैं किसी बड़े होलसेलर के पास तो नहीं गया। अभी संपर्क में लगा हुआ हूँ, जैसे ही कोई संपर्क बन जाएगा किसी बड़े होलसेलर की तो मैं वीडियो डालूँगा। जब तक मैंने जो साइडों में पटरियों में या जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं गांधी मार्केट के अंदर, मैंने उनकी वीडियो बनाई और देखा कि थोड़ा सा मार्केट में फ़र्क आया है। थोड़ा सा माल महंगा हो गया करोना की वजह से, बाकी ऐसा तो नहीं लगता कि ज़्यादा महंगा हुआ है, लेकिन फिर भी माल थोड़ा सा महंगा तो हुआ है करोना की वजह से। तो आइए पहले चलते हैं सदर बाज़ार, उसके बाद देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये कितने का? ये 20 रुपये का पीस। और कोई आया? 20 रुपये का 10 पीस। 200 रुपये का अंदर। 200 रुपये। जोड़ा पंजे का 30 रुपये। 10 पीस। दस। ये 70 वही खाली। महंगा हुआ है ना माल पीछे से? कोरोना की वजह से? 150। We'll be right back.
कितने रुपए? 12 और 70 रुपए। मार्कर चाहिए? मार्कर चला चलो। अरे ये वाली कितने रुपए भाई? और ये वाली? कितने रुपए दर्जन भाई? 60 रुपए दर्जन। कितने रुपए भाई? 10 रुपए का एक। किसका है? कितने रुपए देने भाई? 30। कितने रुपए? 40। कितने रुपए भाई? 120 रुपए। सब सामान महंगा हो गया। ये कितने रुपए दर्जन भाई? ये कितने है भैया? 120। 120 के सारे 120 हैं। सारे 120 है कोई भी दे। अच्छा तो लग रहा है लिखा महंगा हो गया। कोरोना ने सब महंगा कर दिया। और कितने रुपए भाई? 30। ये भी? ये वाला 40। आपको वीडियो में कुछ बताने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और जैसे ही किसी बड़े होलसेलर से मेरा संपर्क हो जाएगा वैसे ही मैं एक बड़ी वीडियो बनाऊंगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए आप सदर बाज़ार गए, आपने किसी की दुकान का सिलेक्ट करके वीडियो देख के आपने माल खरीद लिया। माल खरीद लिया कोई बात नहीं, आपने 10,000 का 20,000 का माल खरीद लिया। एक तो अपनी गाड़ी लेके मत जाइएगा, एक तो वहाँ ट्रैफिक जैम की समस्या तो वो तो चलती आई है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी जब भी माल खरीदें एक तो अपनी गाड़ी लेके ना जाएं, और ट्रांसपोर्ट का जुगाड़ अगर जिस दुकान से आपने माल से लिया है अगर वो कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर वो नहीं करता है तो आप खुद ट्रांसपोर्ट है, लेकिन अपनी गाड़ी में लोड करके मत लाइएगा। क्योंकि आजकल मैंने एक चीज़ बहुत नोट करी है कि चलान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और पहले की तरह चलान नहीं होते, चलान बहुत हैवी चलान हो गए हैं। तो इसलिए अपनी गाड़ी लेके मत जाइए। आप जाइए जो मर्जी शॉपिंग करिए, क्योंकि इस समय दिवाली का टाइम है, दिवाली का आइटम ज़्यादा बिक रहा है। तो 10-15 हज़ार का माल अगर आपने ख़रीद लिया, आपने अपनी गाड़ी में धर लिया, और जैसे ही आप निकलोगे थोड़ी 500 मीटर आगे चलोगे आपको पुलिस वाला खड़ा मिल जाएगा, और साइड लगा और आपका चलान। तो जो आपने बचाने की कोशिश करी वो आपका पैसा चला जाएगा। तो कभी भी जाइए शॉपिंग करिए, माल खरीदिए,
जितना भी खरीदना है 10,000, 20,000, 30,000 जितना का भी खरीदना खरीद लीजिए। ट्रांसपोर्ट का जुगाड़ करिए, ट्रांसपोर्ट पे जाइए, अपना माल लगवाइए, बिल लीजिए और फट से निकल जाइए। कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन आपने लिया और कहीं अपनी गाड़ी में लोड करा, जैसे ही आप बाहर निकलेंगे वैसे ही आपका चलान होएगा। इस समय बहुत सख्ताई है, तो इसलिए मेरा यही कहने का मतलब है कि वहाँ जाओ तो अपनी गाड़ी लेके ना जाओ। और अगर कुछ छूट जाएगा तो मैं नेक्स्ट सदर बाजार की मैं बहुत वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं जैसे ही किसी बड़े होलसेलर से मेरा संपर्क होएगा मैं एक बहुत धमाकेदार वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।